हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और एक और इस वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम सीखेंगे होस्ट टू होस्ट पैकेट डिलीवरी कैसे होती है, डिवाइसेस कैसे काम करती है, कौन सा प्रोटोकॉल का क्या रोल होता है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। और हम देखेंगे बेसिकली यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप होंगे, 1 to 10। हम उनको एक एक करके देखेंगे कैसे कैसे होता है। होस्ट टू होस्ट मतलब मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, मैं दो कंप्यूटर के बीच में कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, सेंड करना चाह रहा हूँ। सपोज़ ये मेरा होस्ट 1 है और ये होस्ट 2 है, तो इन दोनों के बीच में मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है। सिनेरियो ये है कि मेरे पास जो ये वाला सिस्टम है, ए इसको नाम अगर दे देता हूँ और इसको बी, तो इसका आईपी एड्रेस मेरे पास है 192.168.3.1, ये इसका एड्रेस है। अभी इसका एड्रेस ये है 3.2, और इसका मैक एड्रेस जो है वो ये इस तरीके का है, और इसका मैक एड्रेस इस तरीके का है, Layer 2 और Layer 3, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डेटा यहाँ से यहाँ भेजना है तो होगा क्या। इन दिस एग्जाम्पल होस्ट 192.168.3.1 हैज़ डेटा दैट इट वॉन्ट्स टू सेंड टू होस्ट जिसका आईपी एड्रेस 2 है, ये वाले को। द एप्लीकेशन डज नॉट नीड टू रिलायबल कनेक्शन। अभी क्या है, जो एप्लीकेशन लेयर है हमारी या फिर जो भी है डेटा सेंड करने के लिए यूज़ हो रहा है, उसको रिलायबल कनेक्शन नहीं चाहिए। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ सिलेक्टेड, तो यूडीपी जो हमारा प्रोटोकॉल है वो हमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये रिलायबल नहीं होता है। यूडीपी टीसीपी दो प्रोटोकॉल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बारे में डिटेल में, और मैंने ऑलरेडी यूडीपी और टीसीपी के बारे में दो वीडियो अपलोड किया, आप वहाँ से देख सकते हैं रिलायबल और कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें रिलायबल कनेक्शन नहीं चाहिए, इसलिए हम यूडीपी यूज़ कर रहे हैं, या एप्लीकेशन यूडीपी यूज़ करेगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। डेटा सेंड करना है वन होस्ट से दूसरे होस्ट को, दोनों उनका आईपी पता है और उनका मैक एड्रेस पता है। अब होगा क्या है, यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन लेयर या फिर जो भी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम डेटा भेज रहे हैं, नेटवर्क नेटवर्क में आएगा ये, आई हैव सम डेटा टू सेंड टू दिस आईपी एड्रेस एंड आई डोंट नीड रिलायबल कनेक्शन। मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन बोल रही है, एप्लीकेशन जो डेटा है वो। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर बोलेगी आई विल यूज़ यूडीपी सेंड मी द डेटा। तो एप्लीकेशन से जो हमारा 7 लेयर होता है, एप्लीकेशन से अभी काम इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना रोल प्ले कर दिया। एप्लीकेशन हियर इज़ द डेटा, तो इस सिस्टम ने डेटा किसको दे दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना यूडीपी असाइन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं हम, ये सेकेंड स्टेज है, यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सेटअप अ सेशन, तो सेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। द एप्लीकेशन कैन स्टार्ट सेंडिंग डेटा, यूडीपी एड्स अ यूडीपी हेडर एंड पासेस द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पीडीयू टू आईपी Layer 3 विद इंस्ट्रक्शन टू सेंड द डेटा PDU टू जो हमारा 2 IP एड्रेस है। IP इनकैप्सुलेट द PDU इन अ Layer 3 पैकेट एंड पासेस इट टू Layer 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम इतना सारा क्या है क्या कहानी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा एप्लीकेशन डेटा इधर पे है, ठीक है, यूडीपी आई विल पुट इन यूडीपी हेडर, तो इसने अपना हेडर ऐड कर दिया ट्रांसपोर्ट लेयर ने। ठीक है, ये यूडीपी हेडर डेटा के साथ में, ये जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो ये है, इसमें अपना एक जो भी इसको काम करना है या इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो इसमें ऐड हो गया यूडीपी। अब यूडीपी क्या करेगा, आईपी सेंड दिस टू ये वाले आईपी एड्रेस को, यूडीपी का काम रहेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देना है कि इसको भेजना है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर क्या होगा, सोर्स एड्रेस है कि कहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस है कि कहाँ डेटा जाना है, तीसरा क्या है, यूडीपी हेडर ऐड हो गया है और हमारा जो मेन डेटा है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, तो जो Layer 3 का एक एक पैकेट क्रिएट हो गया है, आई विल पुट इन एन आईपी हेडर। अब यहाँ पे क्या, आईपी क्या काम करेगा, इसमें अपना आईपी हेडर ऐड कर देगा। आईपी हेडर ऐड करने के बाद इसको Layer 2 को ये ट्रांसमिट कर देगा, आईपी Layer 2 इसको सेंड करो इस आईपी एड्रेस को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक कम्युनिकेशन होगा। अब देखेंगे कि आगे क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट है, अब Layer 2 के पास में वो रिक्वेस्ट आ गई आईपी एड्रेस वाली, तो Layer 2 क्या बोलेगी, Layer 2 ARP, Layer 2 चेक करेगी,
एआरपी, एआरपी क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, जिसका काम होता है मैक एड्रेस को, मैक एड्रेस से आईपी को आइडेंटिफाई करना, और आईपी से मैक एड्रेस, इस तरीके का उसका काम है। तो लेयर टू क्या बोलेगी अपना, डू यू हैव मैपिंग फॉर दिस दिस आईपी एड्रेस, वो चेक करेगी कि इस आईपी एड्रेस के लिए कोई मैक एड्रेस है क्या वहाँ पे। तो एआरपी का क्या रिवर्ट होगा, इज 192.168.3.2 इन माई एआरपी टेबल, नो, एआरपी टेबल अपना चेक करेगी एआरपी खुद को। गेस लेयर टू, अभी आई गेस लेयर टू विल हैव टू होल्ड पैकेट वाइल आई रिजॉल्व द एड्रेसिंग। अभी क्या है, जो लेयर टू है उस पैकेट को होल्ड करके रखेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा जब तक कि एआरपी टेबल, जो एआरपी प्रोटोकॉल है, वो अपनी टेबल को चेक नहीं करेगा और वेरीफाई नहीं करेगा और रिजॉल्व नहीं करेगा कि ये किस आईपी एड्रेस है, मतलब किस सिस्टम का आईपी एड्रेस है और कहाँ का एड्रेस है करके। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर हम देखें तो एज विथ एन एग्जाम्पल इन इन द बिल्डिंग अ सिंपल नेटवर्क मॉड्यूल, ये एक मैंने मतलब मॉड्यूल है, उसमें एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल डज नॉट हैव इट्स एंट्री इन इट्स टेबल। तो क्या होता है इसमें, जब अगर कुछ नेटवर्क बनाते हैं तो इसका कुछ एंट्री नहीं होती है एआरपी का इसके टेबल में, ये इमिडिएटली रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका काम क्या होगा। तो यहाँ तक की कहानी, एआरपी को पता चल गई ये सोर्स है, डेस्टिनेशन है, यूडीपी हेडर है, और ये हमारा एप्लीकेशन डेटा है मेन। अब यहाँ पे क्या है, वो रिजॉल्व कैसे करेगा देखते हैं। यहाँ पे अभी जो डेटा है वो सेंड नहीं हुआ है, वो उसको लेयर टू ने होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो अब एआरपी क्या एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट आ रही है, देखिए यहाँ पे ये जो जो उसका जो जो होल्ड है वो ये वाला है। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट किया उसने, रिक्वेस्ट में क्या डाला है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स एड्रेस और एआरपी रिक्वेस्ट। अभी ये जा रहा है किसके पास में, स्विच के पास में, ठीक है। एआरपी रिक्वेस्ट, ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हो गई, ये सोर्स एड्रेस और मैक एड्रेस यहाँ पे आया। तो अभी देखेंगे यहाँ पे होस्ट 192.168.3.1 सेंड आउट ए आर पी रिक्वेस्ट, इस होस्ट ने एक ए आर पी रिक्वेस्ट भेजी इधर। हाउ एवर इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ रिसीव्ड बाय द स्विच, तो यहाँ पे क्या एक स्विच लगी हुई है बिफोर इट रीचेज टू दिस वन। तो ये अपना डेस्टिनेशन पहुँचने से पहले एक स्विच के पास आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच लगी हुई है। अब इस स्विच का काम क्या होगा, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये क्या करेगी, हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब देखेंगे स्विच के पास डेटा आया है, स्विच क्या कर रही है, स्विच क्या कह रही है, आई जस्ट रिसीव्ड फ्रेम फ्रॉम अ होस्ट दैट इज़ नॉट इन माई मैक एड्रेस टेबल। तो इसके पास एक मैक एड्रेस टेबल रहेगा दोनों सिस्टम के लिए, तो वो आइडेंटिटी कह रही है कि मेरे पास तो इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेट मी ऐड इट टू द टेबल। अभी ये क्या, इसके पास एक खुद एक टेबल क्रिएट करेगी, तो ये पोर्ट जिस भी पोर्ट पे आ रही है उस पोर्ट के लिए इसको यहाँ पे ऐड कर लेगी अपने टेबल पे। ये होस्ट वन का पोर्ट वन पे ये वाला मैक एड्रेस है, ठीक है। अब स्विच का दूसरा काम क्या है, सिंस द डेस्टिनेशन एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट, तो जो एड्रेस हमारा इधर से आ रहा है वो ब्रॉडकास्ट है, तो ये क्या करेगी, फ्लड करेगी। फ्लड करेगी मतलब सारे के सारे जितने पोर्ट इधर रहेंगे एक्सेप्ट ये इनकमिंग वाले, सबको ये एड्रेस भेज देगी, या जो भी डेटा है वो फ्रेम भेज देगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या, व्हेन द स्विच रिसीव द फ्रेम इट नीड्स टू फॉरवर्ड इट आउट द प्रॉपर पोर्ट। हाउ एवर इन दिस एग्जाम्पल, हमने इस एग्जाम्पल में नीदर द सोर्स नॉर द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन स्विच टेबल, मतलब स्विच की टेबल में दोनों के दोनों, ना तो सोर्स एड्रेस है ना ही तो मैक एड्रेस है। अब क्या होगी, द स्विच कैन लर्न द पोर्ट मैपिंग फॉर द सोर्स होस्ट फ्रॉम द मैक एड्रेस इन द फ्रेम। इसको अभी इस फ्रेम जो आया है उससे इसको सोर्स तो पता चल गया लेकिन डेस्टिनेशन पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए क्या करेगा, सो द स्विच विल ऐड इट टू द पोर्ट मैपिंग, ठीक है। वो एड्रेस इसको सोर्स का पता चल गया, उसने ऐड कर लिया है। अभी वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखा है, इसने पोर्ट ऐड को ऐड कर लिया इस मैक एड्रेस के साथ। यहाँ पे बिकॉज द डेस्टिनेशन इज अ ब्रॉडकास्ट द स्विच हैज़ टू फ्लड द पैकेट आउट ऑल द पोस्ट पोर्ट, तो वही मैंने बोला कि इधर एक और है तो उसको सबको फ्लड करेगी वो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो रहा है, मतलब नेक्स्ट 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 स्टेप में क्या होगा वो देखेंगे। अभी लेयर टू ने मेरा जो पैकेट है उसको होल्ड करके रखा है, ठीक है। अब स्विच ने सारा इधर फ्लड कर दिया है, इधर भेज दिया है जो भी उसके पास फ्रेम आया था। तो अब ये इसमें क्या था, अगर हम देखें तो एक डेस्टिनेशन एड्रेस था, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, और सोर्स एड्रेस था। तो ये सब जाएगा इधर हर एक पीसी को, जितने भी पीसी लगे हैं, तो उधर मैच होगा कि जो जो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो किस सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो स्पेसिफिकली वो सिस्टम क्या है, एक रिवर्ट करेगा कि ये मेरा आईपी एड्रेस है या ये मेरी एंट्री है करके, तो वो कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे सारे सिस्टम तक पहुँच गई है। अब देखेंगे आगे क्या होगा। अभी यहाँ पे क्या हो गया है, अभी देखिए, अभी तक हमने बात की थी सारा चीज़ इधर पे इधर जा रहा है, लेकिन अभी क्या है, ये देखिए आप, एरो वो इस तरफ भी आने लग गया है। अब इससे पता क्या हुआ कि हमको डेस्टिनेशन पता चल गया है, वो किस सिस्टम का एड्रेस है करके। अब वो सिस्टम रिवर्ट करेगा, वो सिस्टम रिवर्ट करेगा जब इधर आएगा। तो अभी जो सोर्स एड्रेस था, अभी हम अगर पिछले स्लाइड में देखें तो हमारा जो 22 था, ये 4 बार 2 2, ये सोर्स एड्रेस था। अभी ये क्या हो गया, ये डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया है, ये यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है। और सोर्स एड्रेस क्या हो गया है, 4x11। अभी ये रिप्लाई कर रहा है, रिप्लाई में ये ऐसे कर रहा है कि ये मेरा मैक एड्रेस है जो उधर से आया था, ये डेस्टिनेशन ये वाला था, अभी हो गया है। ठीक है, डेस्टिनेशन ये बैक जा रहा है इस तरफ, ये ARP रिप्लाई में इस सिस्टम से। तो द डेस्टिनेशन होस्ट रिसीव ARP रिक्वेस्ट देन रिप्लाई, तो उसने अभी रिप्लाई किया उसको कि ये मेरा है करके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, पार्किंग लॉट मतलब वो पैकेट अभी भी इधर पे है। तो अब फिर से क्या हो रहा है, अभी ये डेटा फिर से स्विच के पास आएगा। तो स्विच का यहाँ पे क्या रोल होगा, द स्विच लर्न दैट पोर्ट मैपिंग फॉर द सोर्स होस्ट फ्रॉम द मैक एड्रेस इन द फ्रेम। अभी इसको क्या है, इसको पता चल गया है कि ये किस सिस्टम से किस सिस्टम को जाना है, और इधर पे भी पता चल गया किस सिस्टम से जाना है, किस सिस्टम को जाना है, किधर से आया किधर गया, अभी किधर से आ रहा है किधर जा रहा है। तो इसके पास में स्पेसिफिक एंट्री हो गई है दोनों, सोर्स की भी डेस्टिनेशन की। तो इसने ये इसने अपने टेबल पे क्रिएट कर लिया है। तो इसको अभी देखिए, ये सपोज अगर पोर्ट 2 है तो पोर्ट 2 पे उसने ये वाला मैक एड्रेस, जो इसका मैक एड्रेस है, इसकी एंट्री कर लिया है। ठीक है, बिकॉज द डेस्टिनेशन वॉज प्रीवियसली एडेड टू द स्विच मैक एड्रेस टेबल, द स्विच कैन फॉरवर्ड द फ्रेम आउट टू पोर्ट 1। तो इसको पता है कि ये रिक्वेस्ट इस पोर्ट से आई थी, ठीक है, वो इधर गई, अभी इसका रिप्लाई आ रहा है तो वो किस पोर्ट पर जाना है। तो ये इजीली पोर्ट 1 को फॉरवर्ड कर देगा डायरेक्ट, आई मीन यहाँ से, कि ये जो रिक्वेस्ट आई थी वो पोर्ट 2 से इस PC के लिए आई थी, अभी ये रिप्लाई इसको जाना है। तो ये हमारा यहाँ पे स्विच का रोल रहेगा। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी अभी जो रिक्वेस्ट इधर रिप्लाई इधर आया था वो हमारे पास होस्ट ए के पास पहुँच गया है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ARP क्या करेगा, आई जस्ट गॉट एन ARP रिप्लाई फ्रॉम दिस IP एड्रेस। अभी जो रिक्वेस्ट आई थी वो फिर से यहाँ पे बोलेगा कि मेरे को ये मिला है, लेट मी एड इट्स IP एंड मैक टू माई ARP टेबल। अभी यहाँ पे ARP टेबल पे ये ऐड कर लेगा। अब ARP Layer 2, आई हैव 192.168.3.2 मैप्ड टू दिस दिस ये वाला मैक एड्रेस। तो अभी इस एंड पे जो ARP रिप्लाई है वो ARP टेबल पे ये वाली एंट्री कर लेगा इस सिस्टम के नाम से। ठीक है, तो अभी ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब मेरे इस सिस्टम के पास में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है Layer 2। अब Layer 2 क्या करेगी, Layer 2 कहेगी आई कैन सेंड आउट दैट पेंडिंग पैकेट। तो अभी ये Layer 2 का काम रहेगा। तो इस पैकेट में क्या जाएगा, मेरे पास मेरा डेटा जो UDP हेडर था वो, अभी डेस्टिनेशन एड्रेस इसको पता चल गया ये है, सोर्स IP एड्रेस ये है, सोर्स मैक एड्रेस ये है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये है। तो ये ARP जो प्रोसेस हुई है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पैकेट के पास आ गई। Layer 2 ने इसको बना के अपने पास अभी सब कुछ ऐड कर लिया। अब इसको ये ट्रांसमिट कर देगा। तो स्विच क्या करेगी, जैसे ही पोर्ट इस पे आएगा वो डायरेक्ट पोर्ट 2 को सेंड कर देगी। सपोज यहाँ पे अगर एक और PC लगा है तो वो फ्लड नहीं करेगी, मतलब इस PC को नहीं भेजेगी, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी, ये 1-to-1 यूनिकास्ट कर देगी। द डेटा इज सेंट एंड रिसीव। तो अब प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो डेटा भेजा था वो रिसीव्ड हो जाएगा। ऑल फ्रेम्स आर पास्ड थ्रू द स्विच अनचेंज, मतलब जो भी फ्रेम रहेंगे वो ये वाले, अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये था इस वीडियो में इतना ही कि होस्ट टू होस्ट डेटा डिलीवरी कैसे होती है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं, और प्लीज़ सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में छोड़ सकते हैं, और आप ज़्यादा वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का URL ये यहाँ पे है, और वहाँ पे CCNA RAM CITP दोनों के वीडियोस रहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर द वीडियो दिस वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।